दोस्तों मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पर्सनली जो है कांटेक्ट किया था, हमारा जो पेड सर्विस है उनकी मदद से। तो उन्होंने ये बताया कि उनका एक क्रेडिट कार्ड है जो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था, और उनका पेमेंट लंबे समय से उन्होंने पेड नहीं किया, और उनका टोटल आउटस्टैंडिंग था 5,000 रुपये, लेकिन उसको जो है इन लोगों ने सारे जो है चार्जेस लगाने के बाद जो है 10,000 या 12,000 तक जो है कर दिया टोटल आउटस्टैंडिंग। अभी उनको ये बोला गया है कि उनके नाम पे जो है केस हो गया है, 400 BC का जो है केस कर दिया गया है, और उनको जो है अभी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके मन में ऐसे क्वेश्चन रहता है कि कितना मिनिमम अमाउंट का पेमेंट ना करने पे आपके ऊपर 400 BC का केस हो सकता है, और ऐसा कौन कौन से कंडीशन के ऊपर आपके ऊपर केस हो सकता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। सो अगर आपका भी कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नॉन पेमेंट हो चुका है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लोन डिफॉल्ट करना कोई क्रिमिनल केस डायरेक्टली नहीं होता, सिविल केस होता है, लेकिन कुछ सिनारियों पे क्रिमिनल केस जो है बन सकता है। अब वो कौन कौन सा सिनारियों पे क्रिमिनल केस बन सकता है मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले होता है अगर आपने कोई चेक वगैरह दिया है और वो चेक बाउंस हो जाता है, और आपके पास लीगल नोटिस भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से, और उस नोटिस को अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो उस सिनारियों पे आपका जो केस है वो सिविल से कन्वर्ट होकर लीगल पे जा सकता है, क्योंकि आपने कोर्ट का जो है अवमानना किया है, उसके चलते आपके ऊपर जो है केस दर्ज किया जा सकता है फ्रॉड 400 BC का। और दूसरा सिनेरियो है कि चेक बाउंस की तरह ही सेम केसेस जहां पे आपने ऑटो डेबिट वगैरह एक्टिवेट करके रखा है, उस सिनेरियो पे भी पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत जो है आपके ऊपर भी क्रिमिनल केस बन सकता है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी एविडेंस या फिर जो भी आपने प्रॉपर्टी के कागजात दिए हैं बैंक को गिरवी में, अगर आपने कोई फर्जी भरा किया है जानबूझ के, तो सिनेरियो पे भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस जो है दर्ज हो सकता है। इन मुद्दे के ऊपर कि कितना मिनिमम अमाउंट के ऊपर जो है क्रिमिनल केस किया जा सकता है, देखिए इसका कोई भी प्रावधान बैंकिंग गाइडलाइंस में नहीं है कि मिनिमम इतना अमाउंट के ऊपर ही आपके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। और मैंने जो तीनों कंडीशन बताया वो तीनों कंडीशन फुलफिल होने के लिए ऐसा कोई अमाउंट का लिमिटेशन नहीं है। सो इस पे ऐसा कोई डिबेट नहीं है कि इतना अमाउंट के ऊपर केस होता है उतना अमाउंट के ऊपर केस नहीं होता। तीनों जो कंडीशन बोला वो तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो बैंक आपके ऊपर केस कर सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं कर सकता। अब हमारा जो सब्सक्राइबर था उनका था क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड में ना तो उन्होंने चेक दिया था ना ही उन्होंने ऑटो डेबिट एक्टिवेट किया था पेमेंट के लिए, तो उनके ऊपर 400 BC का केस हो सकता है। आपने कोई फर्जीवाड़ा किया है, तो अगर फर्जीवाड़ा मतलब आपने KYC डॉक्यूमेंट्स पे गलत जानकारी दिया है या फिर आपने इनकम प्रूफ जो है फर्जी दिया है, तो उस सिनारियो में वो फर्जीवाड़ा कहा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो ये तीनों सिनारियो पे नल एंड वॉइड हो जाता है, तो यहाँ पे 400 BC का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जो सब्सक्राइबर को जो बोला गया है वो टोटली जो है फेक इन्फॉर्मेशन या फिर डराने के लिए कलेक्शन एजेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है। सो आपको भी ऐसा कोई फेक इन्फॉर्मेशन देकर डरा रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यही बोल रहा हूँ कि आप अपना लोन का पेमेंट ना करें, क्योंकि पेमेंट अगर आप नहीं करते तो आपका सिविल ख़राब होता है, फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत आपको आ सकता है। तो उस सिनारियो में आपके पास पैसा है तो आप पेमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोशिश करिए जो है धीरे धीरे पेमेंट करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी गलत जो है डिसीजन मत लीजिए ऐसा बात सुन के कि आपके ऊपर 400 BC का केस लग जाएगा, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, तो ऐसा जो है कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा।